आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके मेजबान मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। जस्टिस हेमंत गुप्ता का सरबराही में जस्टिस सुधांशु धूलिया के साथ बेंच हतमी फैसला सुनाएगी। फैसले का ऐलान आज को मुतवक्का है क्योंकि बेंच की सरबराही कर रहे जस्टिस गुप्ता 16 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं। 22 सितम्बर को इस मामले की पिछली समाअत के दौरान जजों ने इस मामले में फैसला महफूज कर लिया था और कर्नाटक हुकूमत की तरफ से हिजाब पर आयद पाबंदी को हटाने से इनकार कर दिया था। अदालत के रूबरू दलाइल 10 रोज तक जारी रहे। अदालत अजमा में दलाइल के दौरान दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश होने वाले मुतादद वकीलों ने इसरार किया कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लासरूम में जाने से रोकने इनकी तालीम खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि वो क्लास में जाना बंद कर सकती है। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस की थी, बशमूल रियासती हुकूमत का 5 फरवरी 2022 का हुक्म जिसमें स्कूलों और कॉलेजों में मिसावात, सालामियत और अमन आमा को खराब करने वाले लिबास पहनने पर पाबंदी थी। कुछ वकीलों ने यह भी दलाइल दी थी कि इस मामले को 5 जजों के आईने बेंच के पास भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश इकलौती फला हज उकाफ के काबिनी वजीर धर्मपाल सिंह ने रियासत में गैर मंजूर शुदा मदरसों के सर्वे की तारीख में तौसी की है। रियासती काबिनी वजीर ने 20 अक्टूबर तक सर्वे की तारीख में तौसी की है। बताया जा रहा है कि सर्वे और इसके तौसी का मकसद इकलौती समाज को तरकीब मुहैया कराना है और नए जमाने के धारे में शामिल करना है। उकाफ के वजीर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए से सर्वे के एदाद व शुमार 15 नवंबर तक हुकूमती इंतजामिया को मुहैया कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुतय्यना मुद्दत में ही सर्वे की तमाम कार्रवाइयां मुकम्मल की जाएगी। अब तक 6,436 गैर इमदाद याफ्ता मदरसे की निशानदेही की गई है। 5,170 मदरसों के सर्वे का काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि मदरसे के तालिबा व तालिबात को मयारी तालीम देना रियासती हुकूमत की तरजीह हयात में शामिल है। उन्होंने ये हुक्म विद्या भवन में वाक़ अपने दफ्तर में इकलौती फलाह महकमा के अफसरान को मदरसे के सर्वे से मुतालिक जायजा मीटिंग में दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसे के सर्वे का काम वसी पैमाने पर जारी है। इसकी हिसासियत की पेश नज़र सर्वे टीम के जरिए हासिल मालूमात की बुनियाद पर तारीख में तौसी की गई है। उन्होंने हुक्म दिया कि 3 सीनियर अफसरान की कमेटी बनाकर मदरसों के सर्वे पर जोन सतह पर रोजाना जायजा मीटिंग की जाएगी ताकि सर्वे को तेजी मिल सके। कमेटी में इकलौती फलाह के खसूसी सेक्रेटरी, इकलौती फलाह के डायरेक्टर और मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार होंगे। पीएफआई के कारकुन की तरफ से 3 अलग अलग दरख्वास्तें जस्टिस सिद्धार्थ मर्दूल और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच के सामने दाखिल की गई है। पीएफआई के खिलाफ मुल्क गैर क्रेक डाउन अमल में आया था। इस तंजीम पर शिद्दत पसंदाना रवाबत के इल्जाम में मुतादद अफराद को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों का दावा है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है। इस सिलसिले में पीएफआई के कारकुनों की तरफ से 3 अलग अलग दरख्वास्तें जस्टिस सिद्धार्थ मर्दूल और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच के सामने दाखिल की गई है। बेंच ने आरजी गुजारों के वकील को भी वक्त दिया है कि वो अपने केस की हिमायत के लिए इजाफी दस्तावेजात और फैसलों से मुतालिक मुतालका दस्तावेजात भी दाखिल करे। बेंच ने मामले की मजीद समाअत 21 नवंबर को मुकर्रर की है। समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस ने दरख्वास्तों की पायदार होने पर इब्तदाई एतराजात उठाए और कहा कि हबीस कारपूस की दरख्वास्तें गलत नहीं हो सकती क्योंकि ज्यादातर दरख्वास्तें गुजारों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इस मामले में एक कारपूस दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें किसी ऐसे शख्स को पेश करने की हिदायत मांगी गई है जो लापता है या जिस गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है। दरख्वास्त गुजारों ने दावा किया कि उन्होंने 27 सितंबर की रात को इनके घरों से गिरफ्तार किया गया था। सादा कपड़ों और वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकारों ने इनकी गिरफ्तारी की वजूहात के बारे में इनके अहल खाना को बताए बगैर इन्हें हिरासत में ले लिया था। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने इस नोटिफिकेशन को वापस लिया है कि जिसमें तमाम तहसीलदारों को जम्मू में 1 साल से ज्यादा रहने वाले लोगों को रिहाई सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार दिया था। जम्मू इंतजामिया ने मंगल के रोज तमाम तहसीलदारों को जिले में 1 साल से ज्यादा अरसे से मकीम लोगों को रिहायशी सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार देने का हुक्म दिया था। रिहाई सर्टिफिकेट का मकसद इस बात को यकीनी बनाना था कि इंतखाबी फहरिस्तों की जारी खसूसी समरी नजरसानी में कोई भी अहले वोटर अंदराज के लिए बाकी न रहे। सियासी जमातों बशमूल पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इस हुकुम के मुखालिफत की थी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मस्कुरा फैसला पर दर अमल का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी सरकार ने जम्मू जिले से सेटलर कॉलोनीज की शरारत की
महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ताज़ा हुक्मनामे के मुताबिक गैर मकामी वोटर्स के अंदराज से मरकजी हुकूमत ने जम्मू से सेटलर कोलो नज्म शुरू किया है, जिससे जम्मू की डोगरा तहजीब, रोजगार और तिजारत को बड़ा धचका लगा है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी की साजिश को, जिससे ये जम्मू व कश्मीर के लोगों को मजहब और खतों की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं, को जम्मू व कश्मीर के लोगों को यकजा तौर नाकाम बनाना होगा। भारत में जर्मनी की सफीर डायरेक्टर फिलिप एक्रेमिन ने आज दिल्ली सेक्रेटरीट में वजीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दिल्ली के सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में इनकलाबी तब्दीली लाने के लिए वजीर आला की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पहली बार सरकारी स्कूलों की देखकर बहुत खुशी हुई। इस दौरान वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तालीम को बेहतर बनाने के लिए हमने सरकारी स्कूलों की नई इमारतें बनाई, उस्ताद प्रिंसिपल को तरबियत दी और बजट का 25% तालीम पर खर्च किया जा रहा है। स्कूलों, अस्पतालों, बिजली और पानी के शबे में अच्छे काम किए जा रहे हैं। हमारी हुकूमत का मुल्क भर में नाम जाना जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली की सड़कों को आलमी मयार का बनाना चाहते हैं और इस पर जर्मन माहिरीन की मदद लेने पर गौर कर सकते हैं। हमारी सरकारी फजाई आलूदगी को कम करने के लिए मुख्तलिफ इकदामात के साथ साथ बसों और दो तीन पहियों वाली बड़की गाड़ियों को फरोग दे रहे हैं। साल 2025 तक दिल्ली की 80% पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें बड़की होंगी। भारत में जर्मनी के सफीर डायरेक्टर फिलिप एक्रेमिन ने आज सुबह दिल्ली सेक्रेटरीट में वजीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और दिल्ली की तुर्की से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे और साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया गया है। लाहौर की खसूसी अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरियत का फैसला सुनाया। वाजे रहे कि दिसंबर 2021 में वकाफी अदारा तहकीक FIA ने शोगर स्कैंडल में मुबीना तौर पर 16 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलूस पाक वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ लाहौर की खसूसी अदालत में मुकदमा दायर किया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वफाती तहकीकाती अदारे FIA ने नवंबर 2020 में शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के खिलाफ इंसदाद बदअनवानी एक्ट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सुलेमान शहबाज इस वक्त बरतानिया में पना लिए हुए है, जिसकी वजह से इसे मफरूर करार दे दिया जा चुका है। 14 दीगर अफराद को भी इस FIR में नामजद किया गया। शहबाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने अपने बेटों हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज को उनकी आमदनी के नामालूम जरिए से माल जमा करने में मदद की। वहीं जम्मू में कश्मीर के जिला रामबीन के गांव शमशान में जुमरात की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम शुरू की। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिलोका महसरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जराए ने मीडिया को बताया कि एक मखसूस इनपुट मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। जराए ने बताया कि इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी ने पूरे इलाके का मुहासिरा कर लिया और दाखिली व खराबी तमाम रास्तों पर पहरा बढ़ा दिया है। आखिरी इतला के मुताबिक मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई जारी है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। अल्लाह हाफिज़।